जिस टाइम से मैंने नियत की है कि मैंने अब बाल छोटे करवाने हैं, तब से ये जालिम के बच्चे इतने अच्छे लगने लग गए हैं। कैसे सीधे हुए हैं इन्होंने, मुझे जलील करके रखा होता है टेढ़े मेढ़े गर्मी। और जब से मैंने इरादा किया है कि अब कटवाने चाहिए, और ये अब देखो कैसे फिट लग रहे हैं। लेकिन ये वक्ती है, ये परमानेंट नहीं है। इनके धोखे में मत आना, क्या कहते हैं, इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनके धोखे में मत आना। ये वो वाला काम करते हैं बेटा, तो मैं अब कटवा ही रहूँगा। अब इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैंने कटवाए तो मुझे दुख होगा बाद में, लेकिन मसला ये है कि ये बड़े दोगले हैं। फिल वक्त तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा या यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो इनकी शक्ल देखने वाली होती है। ऐसे कोई जलील करते हैं, फिर बार बार इनको सेट करो। बस फिर अल्लाह का नाम लेके कटिंग करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि 4-5 महीने हो गए हैं बाल नहीं कटवाए। थोड़ा सा शक्ल में भी चेंजिंग आ जाएगी, अल्लाह खैर करेगा, फिर निकल आएंगे बाल। फिलहाल गर्मियाँ तो गुजारें, सर्दियों में फिर रख लेंगे। कटिंग करवाने तो पहुँच गए हैं, अब आगे अल्लाह खैर करे। तो कटिंग तो हो चुकी है, मेरा फैसला सही था या गलत ये आप देख के डिसाइड करें। तो आज हम दोस्तों का प्रोग्राम बना के यूनिवर्सिटी के बाहर से कुछ खा पी के आते हैं। तो मैं, रेहान और बिलाल, हम तीनों यूनिवर्सिटी से बाहर आ चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो डिसाइड ये हुआ है कि आज हम कहीं से बुफे खाते हैं, तो उसके लिए हम पेपरिका जा रहे हैं। तो जी, हम पेपरिका पहुँच चुके हैं। तो ये है पेपरिका रेस्टोरेंट जहाँ हम आए हैं बुफे खाने के लिए। ये है पेपरिका के जेंट्स हॉल की सेटिंग जहाँ बुफे लगता है और आप अपना सेल्फ ऑर्डर भी करवा सकते हैं। तो बुफे की शुरुआत होती है जी स्वीट से, जहाँ पे अवेलेबल हैं पेस्ट्रीज, क्रीम, गोलगप्पे, सैलड, रशियन सैलड, दही रायता, सब कुछ। तो स्वीट्स के बाद आते हैं जी मेन खानों पे, जहाँ शुरू में आपको देखने को मिल जाती हैं दूध सेवैयाँ और साथ में चिप्स पकौड़ा। उसके साथ ही आपको देखने को मिल जाते हैं जी फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन के साथ आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी कमज़ोर सेहत का मलाई बोटी पिज़्ज़ा। उसके साथ ही मौजूद है पिज़्ज़ा पास्ता, चाउमिन, जैपनीज फ्राइड राइस, और ये आई थिंक चिकन मंचूरियन की दो अलग अलग किस्में हैं, और लास्ट में अफ़गानी पुलाव। फिर शुरू होता है बारबेक्यू सेक्शन, जहां आप शुरू शुरू में देख सकते हैं कि चिकन टिक्का और सीख कबाब मौजूद हैं, जिसके साथ है चिकन रोस्ट, वाइट कढ़ाई और रेड कढ़ाई। तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं। लाल भाई, क्या क्या ले रहे हो? क्या क्या ले रहे हो हमें दिखाओ। ये ले, देख ले। क्या क्या है, नाम बताओ। मुझे नहीं पता, खाना है मैंने। तो ये है स्टार्टर पैक, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। बुफे खाने का सही तरीका क्या है? क्या है पूछ रहा हूँ। बुफे में अगर ज़्यादा खाना खाना हो तो बोतल कम पियो, बाद में मंगवा लो, पहले जितना ही खा सकते हो, क्योंकि अगर बोतल साथ साथ पियेंगे तो पेट फुल हो जाएगा। काम चेक करो इन पेपरिका वालों का, इतनी सख्त गर्मी है बाहर और इन्होंने सिर्फ एक एसी लगाया हुआ, वो भी कोने में, और अंदर इतनी हबस है और इन्होंने सिर्फ पंखे चलाए हुए हैं। ओ भाई जान, गर्मी देखी है, पसीना देखो। खाना खाएंगे पसीने से बचे, गर्मी बड़ी है और अंदर हबस भी हो रही है, तो क्या करें, बुला रहा था। आगे वेट है जी, अब मीठा खाने का। नमकीन रहता है हमारा, नमकीन में क्या होता है? चावल। तेरा क्या रहता है? अब बारी है कुछ मीठा खाने की। वैसे तो मुझे चॉकलेट पेस्ट्री पसंद है, लेकिन वो यहाँ पे थी ही नहीं, तो अब ये उठाइए, मैंने पता नहीं कौन सी, इसको टेस्ट करते हैं। कभी ना खाते, लेकिन स्पीड बड़ी है मेरी। अच्छी है। मीठे में मेरा फेवरेट पार्ट है वॉल्स आइसक्रीम,
वैसे तो अगर ये तीन मुख्तलिफ फ्लेवर रखते तो और भी अच्छा था, लेकिन कुल्फ़ा इज़ द बेस्ट, सो कोई मसला नहीं, खाते हैं। बहुत से डाले हैं मैंने दोस्त को और दोस्त मेरा देख रहा है मुझे कि क्या काम करी जा रहा है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। ये भी नमकीन खा रहा है बिलाल भाई आ चुके हैं मीठे की तरफ, अपनी भी बना लिया कर, खाना शुरू कीजिए। तो ये था जी पेपरिका का बुफे, जिसका बिल बना हमारा 1600 रुपये पर पर्सन, जिसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड था और इनकी जो कोल्ड ड्रिंक्स आप जो भी ऑर्डर ऊपर करते हैं। तो 1600 में एक्सपीरियंस इसका बेहतर था, मतलब खाना शाना अच्छा था, बहुत अच्छा भी नहीं था लेकिन अच्छा जायका था, कुछ चीज़ों का बहुत अच्छा टेस्ट था। लेकिन जो मेन नेगेटिव पॉइंट रहा है मेरे हिसाब से वो था कि वहाँ एसी नहीं थे, गर्मी बहुत थी। अब खाना खाते हुए जब गर्मी लग रही हो तो खाने का मज़ा अधूरा हो जाता है। खैर ठीक रहा, हम तो हुआ है, अब आपकी मर्ज़ी है आपने जाना है तो। जो बिल होगा वो 1600 रुपये तक आएगा, ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मंगवाते हैं तो। बस ठीक है, अच्छा था, हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।